नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने संजय पांडे क्लासेस में। मेरा नाम है गौरव और मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री की पाठशाला, जो कि रोज़ 4 घंटे रोज़ाना, मतलब हफ्ते में 6 दिन हम चला रहे हैं। सुबह 8 से 10 हम क्लास 12th के लेक्चर लेते हैं और 10 से 12 11th के। 11th में आज हम एक नए अध्याय का, नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, प्रारंभ करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको यहाँ से लेके क्लास 12th के अंत तक बहुत काम आएगा। अगर आज आपने ये चैप्टर कायदे से पढ़ लिया तो मॉडर्न फिजिक्स एक टॉपिक आता है क्लास 12th में, मॉडर्न फिजिक्स, उसमें 2-3-4 चैप्टर रहते हैं, वो आपका बड़ा हंसी खुशी बीतेगा। और ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो वहाँ पर पढ़ने का स्कोप है फिर भी, ठीक है। अच्छा, आइए हम एक बार देख लें कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने एटम स्टार्ट किया था और हमने एक चर्चा की थी कि भाई डाल्टन भैया ने क्या बोला था अपनी एटॉमिक थ्योरी में, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला गया था। क्या हम जल्दी से 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर सकते कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला गया था। डाल्टन का पहला पोस्टुलेट ये था कि एटम्स आर वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स, जो कि सारे मैटर को बनाता है। डाल्टन ने क्या बोला था कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स, वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। वो पार्टिकल डिवाइड नहीं किए जा सकते, वो पार्टिकल डिवाइड नहीं किए जा सकते। दूसरी बात क्या बोली थी कि अगर एक ही एलिमेंट है तो उसके सारे एटम एक तरह के होंगे, सारी प्रॉपर्टी उनकी एक तरह की होगी, और अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उनकी सारी प्रॉपर्टी डिफरेंट तरह की होगी। ये दो बातें बोली थी डाल्टन की। 3 बातें क्या हो गई कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। दूसरी प्रॉपर्टी कि एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स एक तरह के होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी, अलग अलग एलिमेंट है तो उनके सारे एटम अलग अलग तरह के होंगे। चौथी प्रॉपर्टी, कंपाउंड की डेफिनेशन दी। कंपाउंड की क्या डेफिनेशन दी कि अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट रिएक्ट करेंगे तो वो एक फिक्स्ड रेशियो में रिएक्ट करेंगे, एक फिक्स्ड रेशियो में रिएक्ट करेंगे, और जो भी चीज़ बनेगी उसको बोलेंगे कंपाउंड। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट रिएक्ट करेंगे तो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में रिएक्ट करेंगे, और उस सब्सटेंस को, जो रिजल्टिंग सब्सटेंस होगा, उसको बोलेंगे कंपाउंड। 5वीं प्रॉपर्टी क्या कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में केवल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स होता है, कोई भी मैटर या एटम क्रिएट नहीं होता और ना ही कोई भी मैटर या एटम डिस्ट्रॉय होता है। नाइदर एन एटम इज क्रिएटेड नॉर एन एटम इज डिस्ट्रॉयड। क्या ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी? पर क्या ये धीरे धीरे गलत साबित कर दी गई? और सबसे पहले गलत किसने साबित किया? सबसे पहले इनकी ताबूत में कील ठोका जे थॉमसन ने विथ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए भैया? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। किससे? जैसे ही कैथोड रेज डिस्कवर हुई जन्म हुआ इलेक्ट्रॉन का और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी खारिज कर दी गई। क्यों? क्योंकि डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। पर क्या जे थॉमसन साहब ने इसको तोड़ के दिखा दिया, फर्दर तोड़ दिया एटम को, एटम को तोड़ के एक नए पार्टिकल का जन्म कर दिया जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन? और कैसे किया, सुनिए। क्या उन्होंने एक ग्लास का सील्ड ट्यूब लिया था? शाश्वत भैया ऐसा करिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम खोलिए, पन्ना पलटिए। हाँ, अब देखिए वो सील ट्यूब आपको दिख रहा है ग्लास का, आप देखिए, देखिए सुनिए, बस इधर सुनते जाइएगा, देखते जाइएगा कि माइकल फराडे उस टाइम पे एक साइंटिस्ट था। माइकल फराडे बड़ा जुनूनी आदमी, 1850 के आसपास उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और वो स्टडी करने की कोशिश कर रहा था कि किसी भी गैस में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, तो ये बताइए, आपने सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का सुना होगा, सॉलिड में तारों के थ्रू, है ना। लिक्विड में जब आप कंडक्ट कराएंगे तो आप 12वीं में कराएंगे, एक चैप्टर होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें आप लिक्विड में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे। अभी हम पढ़ते हैं गैसेस में इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है। क्या ये बताइए, अगर गैसेस में इतनी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती तो हमें झटके लगते रहते, क्योंकि हमारी एटमॉस्फेयर पूरी गैसेस से बनी है,
ठीक है, पर इतनी आसानी से गैसेस में कंडक्टिविटी होती नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की। कब होती है? एक स्पेशल केस में होती है, एंड वो स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस क्या है? वेरी गुड, एट वेरी हाई वोल्टेज एंड वेरी लो प्रेशर। वेरी लो प्रेशर अप्रॉक्स 10^-4 ATM एंड हाई वोल्टेज अप्रॉक्स 10,000 volt। जब हम इतना हाई वोल्टेज ले लें और इतनी ज्यादा कम प्रेशर ले लें तो गैसेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगती हैं। तो उसने क्या किया, उसने एक ग्लास की सील्ड ट्यूब ले ली, वो ग्लास की ट्यूब बंद एकदम सील्ड, उसने अंदर दो मेटल की प्लेट घुसा दी। उन मेटल की प्लेट को क्या बोल दिया गया? इलेक्ट्रोड। क्या बोल दिया गया? इलेक्ट्रोड। जैसे सेल में दो टर्मिनल होते हैं ना, आप नॉर्मल सेल देखते हैं उसमें दो टर्मिनल होते हैं, उन टर्मिनल्स को भी इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एक को बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक को बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इसी तरह उसने एक ग्लास की ट्यूब ली, उसमें दो मेटल पीस घुसा दिए, उनको बोल दिया इलेक्ट्रोड। एक को पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक को नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जिसको पॉजिटिव एंड से किया उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोल दिया, जिसको नेगेटिव एंड से किया उसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोल दिया। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोलते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं, नेगेटिव को कैथोड बोलते हैं। यहां तक समझ में आया? अब उसने क्या किया, उसने बैटरी चालू कर दी, ठीक है, और देखा कि क्या करंट बह रहा है? नहीं बहा करंट, करंट नहीं बहा, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आई। फिर उसको बड़ी हताशा हुई, निराशा हुई, उसने सोचा कुछ अलग करके देखते हैं। तो उसने फिर क्या किया, उसने अंदर जितनी, अब ये बताइए, हमने सील ग्लास ट्यूब ली है, मान लीजिए हम ग्लास ऐसे ही रख दें, एक खाली ग्लास रख दें, क्या वो ग्लास खाली है या भरा हुआ है? भरा हुआ। किस चीज़ से? एयर से। तो उसी तरह सील ग्लास ट्यूब भी किससे भरी है? एयर से। अब एयर से भरी है तो उसने सोचा कि यार मैं अंदर का जो एयर है वो निकाल के देखता हूँ। तो उसने एक छेद किया, उसने उस छेद में वैक्यूम पंप लगाया और वैक्यूम पंप के थ्रू वो सारी एयर खींची और अंदर इतने देर तक एयर खींची जब तक उसका प्रेशर 10^-4 ATM ना हो गया। भाई जैसे जैसे जितनी ज़्यादा अंदर एयर होगी उतना ज़्यादा तो अंदर प्रेशर होगा, और जैसे जैसे हम एयर को निकालेंगे प्रेशर कम होता जाएगा। तो तब तक उसने एयर को निकाला, तब तक उसने वैक्यूम पंप चलाया जब तक 10^-4 ATM तक प्रेशर ना पहुंच गया, ठीक है। अब अंदर बहुत कम प्रेशर है, यानी कि बहुत कम अमाउंट ऑफ गैस है, और फिर उसने बैटरी चालू कर दी। अब उसने नॉर्मल बैटरी से शुरुआत की थी, नॉर्मल बैटरी वही अपनी 5-6 volt वाली नॉर्मल बैटरी। तो जब उसने चालू किया, अब क्या है, अब अभी कंडीशन सोची क्या है, ग्लास ट्यूब है एट वेरी लो प्रेशर और नॉर्मल बैटरी है, चालू किया कोई ऑब्जर्वेशन नहीं। फिर उसने सोचा आप क्या चेंज कर सकते हैं, तो अब उसके दिमाग में आया कि बैटरी की वोल्टेज चेंज करके देखते हैं। तो उसने बैटरी की वोल्टेज को घटाना शुरू किया, घटाया तो और ही कुछ चेंज नहीं आ रहा। फिर उसने क्या किया, बढ़ाना शुरू किया, तो बढ़ाया, अब धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा। जब वो 10,000 volt पे जाके पहुंचा तो उसको कुछ ऑब्जर्वेशन दिखी, और दिखी कैसे, उसने क्या किया था, ये जो सील ट्यूब है, उसके यहाँ पे उसने दोनों साइड पे एक स्क्रीन लगा रखी थी, एक मटेरियल को कोट कर रखा था। उस मटेरियल का नाम होता है फ्लोरेसेंट मटेरियल। कैसा मटेरियल? फ्लोरेसेंट मटेरियल। फ्लोरेसेंट मटेरियल का मतलब ये होता है कि जब उस मटेरियल से कोई चीज़ जाके कोलाइड करे, तो उसमें चमक प्रोड्यूस हो। क्या प्रोड्यूस हो? चमक। फ्लोरेसेंट मटेरियल क्या मतलब होता है, जब उस चीज़ से जाके कोई कोलाइड करे तो उसमें चमक प्रोड्यूस हो। तो उसने दोनों इलेक्ट्रोड के पीछे कोटिंग कर रखी थी, किसकी? फ्लोरेसेंट मटेरियल की कर रखी थी। तो जब उसने वोल्टेज अप्रॉक्स 10,000 volt किया और प्रेशर अप्रॉक्स 10^-4 ATM किया, यानी कि बहुत लो प्रेशर और बहुत हाई वोल्टेज, तो उसको चमक दिखी। और किसके पीछे दिखी? उसको चमक दिखी एनोड के पीछे। किसके पीछे दिखी? एनोड के पीछे। मतलब एनोड के पीछे उसको चमक दिखी तो उसको लगा यार कुछ तो हुआ। अब उसने क्या किया, उसने और थोड़ा बहुत टेस्ट वेस्ट किया, उसने पंखा रख दिया बीच में, उसको लगा यार कुछ तो जनरेट हो रहा है कहीं ना कहीं से, अगर एनोड की तरफ कुछ आ रहा है तो वो कहीं कैथोड साइड से जनरेट हुआ होगा। तो उसने बीच में एनोड और कैथोड के बीच में पंखा रख दिया, उसको दिखा कि वो पंखा घूम गया। और घुमा कौन सकता है पंखा?
इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई भी जो, अरे पंखे को हाथ से घुमा सकते हो, जिस भी चीज से ये कोलाइड कर जाए, अरे जैसे मैं इसमें इसके ऊपर फोर्स लगा दूं क्या ये घूम जाएगा? तो कोई भी वो चीज पंखे को घुमा सकती है जो उसके ऊपर फोर्स लगाए। और कोई भी चीज फोर्स कब लगा सकती है? एफ इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो उसके पास मास होना चाहिए तो सबसे पहले। तो कोई भी चीज फोर्स लगा सकती है तब जब उसके पास मास हो। तो उसने ये कंक्लूड किया कि अगर ये पार्टिकल्स पंखे को घुमा रहे हैं यानी कि इनके पास मास है, दे हैव अ मास, और जिसके पास भी मास होता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है, उसके पास मोमेंटम भी होता है, उसके पास सब कुछ होता है ना? अच्छा ठीक है। फिर उन पार्टिकल्स पे थोड़ा टेस्ट वेस्ट किया गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या हुआ कि वो जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट हो गए, वो जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट हो गए। तो क्या आपने पढ़ा है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर? तो अगर कोई पार्टिकल पॉजिटिव फील्ड की तरफ झुक रहा है, डेविएट हो रहा है, तो वो किस चार्ज का होगा? नेगेटिव। नेगेटिव वो पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर वो खुद पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव की तरफ कभी नहीं जाता, वो दूर जाता पॉजिटिव से। वो नेगेटिव है इसीलिए पॉजिटिव की तरफ पास जा रहा है। तो जब उसका बिहेवियर स्टडी किया गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, तब ये कंक्लूड किया गया कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ बिहेव कर रहा है। यानी कि जिन भी पार्टिकल से कैथोड रेज बनी हुई है, जिन भी पार्टिकल से वो रेज बनी हुई है, वो नेगेटिवली चार्ज इन नेचर है। भाई साहब नेगेटिवली चार्ज इन नेचर है, तो उनको नाम दे दिया गया नेगाट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स। उनके कॉन्स्टेंट पार्टिकल को नाम दे दिया गया नेगाट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स, नेगाट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा फिर क्या देखा गया? फिर ये देखा गया कि वो जो रेज निकल रही थी वो इनविजिबल इन नेचर थी। कैसी थी? इनविजिबल इन नेचर। तो इनके इफेक्ट को देखने के लिए हमने क्या लगाया था? स्क्रीन लगाई थी, वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जिनसे जब रे कोलाइड करेगी तो चमक प्रोड्यूस होगी। वो क्यों लगाई थी? क्योंकि रे इनविजिबल इन नेचर थी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट इनकी प्रॉपर्टी कि ये जो पार्टिकल दौड़ रहे थे कैथोड रे के फॉर्म में, इन पार्टिकल का चार्ज बाय मास का रेशियो कांस्टेंट था। अभी सर चार्ज बाय मास का रेशियो क्या होता है सर? ये समझ में नहीं आया। एक होता है स्पेसिफिक चार्ज, क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज? जब भी किसी चीज के आगे स्पेसिफिक लग जाए, जब भी किसी चीज के आगे स्पेसिफिक लग जाए, उसका मतलब ये होता है कि हम उसको पर यूनिट मास के टर्म्स में ले रहे हैं। जब भी किसी चीज़ के आगे स्पेसिफिक लग जाए उसका मतलब ये होता है कि हम उसको पर यूनिट मास के टर्म में ले रहे हैं। तो स्पेसिफिक चार्ज इज चार्ज पर यूनिट मास। जब भी किसी चीज़ के आगे स्पेसिफिक लग जाए तो उसका मतलब होता है जब भी किसी चीज के आगे स्पेसिफिक लग जाए उसका मतलब होता है पर यूनिट मास। स्पेसिफिक लगने का मतलब होता है पर यूनिट मास। तो स्पेसिफिक चार्ज का मतलब हो गया चार्ज पर यूनिट मास, ठीक है। तो देखा यह गया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन का मास इज कांस्टेंट एवरी टाइम। मतलब हम उस जो अंदर सील ट्यूब है उसमें कोई भी गैस यूज कर सकते हैं, किसी भी मटेरियल का इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं। पर हमने किसी भी मटेरियल का इलेक्ट्रोड यूज़ किया, किसी भी गैस को यूज़ किया, किसी भी मटेरियल का इलेक्ट्रोड यूज़ किया, हमेशा उसका चार्ज बाय मास का रेशियो सेम रहा, ठीक है। यानी कि उसका स्पेसिफिक चार्ज सेम रहा, ठीक है। बढ़िया था, कर लीजिएगा। 3 दिन का टाइम और है तब तक, ये लोग कंप्लीट कर लेंगे एनसीईआरटी, और आप लोग भी एनसीईआरटी और डीबीपी दोनों कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो क्या कैथोड रे की बेसिक प्रॉपर्टी समझ में आई? सबसे पहली प्रॉपर्टी कि उनके पास मास होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। अच्छा एक और प्रॉपर्टी, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। पता कैसे? जब पंखा रखा गया बीच में और फिर एक स्क्रीन लगा दी गई पीछे, पंखे के पीछे,
तो पंखे की परछाई बन गई स्क्रीन पे, और परछाई कब बनती है जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होती है। तो कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, पहली बात, कैथोड द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज हैव अ मास एंड काइनेटिक एनर्जी। दूसरी बात, देशो मैकेनिकल इफेक्ट, पंखे को घुमा रहे हैं, देशो मैकेनिकल इफेक्ट, दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कहां से पता चला? बाई एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हमने अप्लाई क्या किया? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो हमें पता चला कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ बिहेव कर रहे थे, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक रहे थे। तो इससे क्या पता चलता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। फिर वो इनविजिबल इन नेचर है, इनविजिबल इन नेचर, इसलिए उनका इफेक्ट देखने के लिए हमको क्या लगाना पड़ा? एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ठीक है, फिर उनका चार्ज बाय मास रेशियो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, चाहे हम अंदर कोई भी गैस लें और कोई भी इलेक्ट्रोड का मटेरियल यूज करें, उनका चार्ज बाय मास रेशियो कांस्टेंट रह रहा है। समझ में आया है इतना? और कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कैथोड रेज जहां से भी गुजरती हैं अपने सामने वाली गैस को आयोनाइज कर देती हैं। कैथोड रेज जहां से भी गुजरती है अपने सामने वाली गैस को आयोनाइज कर देती हैं। अब आयोनाइज करने का क्या मतलब है? बताया था ना पिछले क्लास में, नहीं बताया था? बताया था ना, ये बोलने नहीं बताया था। आयोनाइज करने का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन को निकाल देना, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देना। अभी आप अगले चैप्टर में आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे, तो उसका मतलब ये होगा कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अभी बेकार लग रहा है, क्योंकि शुरू में थ्योरी है, केवल थ्योरी है। इसके बाद न्यूमेरिकल आएंगे तब थोड़ा ठीक लगेगा, तब थोड़ा नॉर्मल लगेगा। ठीक है, ये सब याद करना पड़ेगा। हाँ, और मैं याद करने के लिए कुछ आपको दे दूंगा, आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ेगी। हाँ, मैं उससे भी लंबा दे दूंगा। अरे ठीक है, हाँ तो आप पढ़ लेंगे। जो भी लिखा है मैं सब आपको मुंह से बता रहा हूँ, सुनते जाइए, बस सुनते जाइए। अच्छा, हाँ, आप 24 को निकल रहे हैं? आप पहले 28 को जाने वाले थे ना? Yes. आप 24 को निकल रहे हैं, फिर कब वापस आएंगे? देखो इनको कितना मजा आ गया, तुम्हारे बिना ही पढ़ लेंगे। सो सैड। अरे इधर देखिए। तो क्या कैथोड की बेसिक प्रॉपर्टी समझ में आ गई? आप किस तरह जनरेट हुआ आपको समझ में आ गया? हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उस वो जो ट्यूब रहता है ना उसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। वो जो सील्ड ट्यूब रहता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। अच्छा, हमने वो ट्यूब लिया, उसमें बहुत ही लो प्रेशर मेंटेन कर दिया, वैक्यूम पंप लगा, कैसे लो प्रेशर मेंटेन किया कोई पूछे तो, वैक्यूम पंप लगा के, और दो इलेक्ट्रोड डाल दिए, उनको एक बहुत ही हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, और पीछे स्क्रीन लगा दी गई जिंक सल्फाइड वाली, उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। किस कंपाउंड की बनी रहती है वो? जिंक सल्फाइड, ZnS, वो सब लिखा है। और मैं आपको कुछ अभी दे दूंगा जिसमें सब लिखा रहेगा, सारी प्रॉपर्टी सब कुछ। आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, आपको NCERT पढ़ने की ज़रूरत है। मैं आपको कुछ हैंडआउट वगैरह दे दूंगा जिसमें सारी प्रॉपर्टी लिखी रहेगी। ठीक है, आपको बस वो पढ़ते रहना, कभी कभी पढ़ते रहना। ठीक है, कभी कभी प्लीज़। अच्छा, तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत केले खाता हूँ, दूध नहीं पीता लेकिन केले खा लेता हूँ। कह गया अरे बोल। केले के साथ आप कुछ भी तो खाइए सर, ये तो नहीं ना खाने की जगह केला खा रहे हैं तो शरीर नहीं लग जा रहा तो वेट कैसे बढ़ेगा? वो तो है, केले में कितनी कैलोरी होती है? ओ चाचा मैं भी रोज खा रहा, मेरा नहीं बढ़ रहा। एक केले पर 200-250 कैलोरी होती है, वो भी बर्न हो जाती है, इतना तेज चिल्लाते हो यहाँ से वहाँ ऐसे टहलते हो। 250 कैलोरी बर्न हो जाती है? 400 कैलोरी मेरी खुद बर्न होती है, खुद बता रहा। क्या सब चूतिया बन गया सर, क्या बोलूँगा। अरे हो रहा हो, जो भी होगा, अब लग तो रहा नहीं है। ओ, ओ, ओ,
भाई 8 घंटा पढ़ा रहा हूँ भाई। और मैं एक दिन में 1 डज़न केले खा लेता हूँ, अभी अभी 6 केले खाता हूँ अभी, और फिर जब शाम को पढ़ा के निकलता हूँ तब भी एकदम मैं मरा हुआ रहता हूँ, थकी हुई हालत में, तो मैं 1/2 डज़न केले खरीदता हूँ, खा लेता हूँ। एक दिन में 1 डज़न केला खा रहा हूँ फिर। अरे ठीक है, क्या बेसिक प्रोडक्शन समझ में आई, बेसिक प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब सुनिए, एक बात समझ लीजिए कि कैथोड रे प्रोड्यूस कैसे हो रही थी। हमने यहाँ पे सील ट्यूब लिया, ये लगाया, बहुत ही हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया। अब देखिए, जब इसको हमने हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया है तो क्या इन दो प्लेट्स के बीच में बहुत ज़्यादा तेज पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुई है? 10,000 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुई है। तो हुआ क्या है, यहाँ कैथोड वाले जो पार्टिकल थे उनको एनर्जी मिली, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिली। एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी Q इंटू वी, क्यू इज द चार्ज, V इज द वोल्टेज, और वोल्टेज हमने 10,000 वोल्ट रख लिया। चार्ज भले बहुत कम हो एक इलेक्ट्रॉन पे, अभी हमको पता है ना कि वो इलेक्ट्रॉन है, तो हम बता सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बहुत कम होता है, -1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम। चार्ज बहुत कम है, पर क्या अगर हम 10,000 वोल्ट तक वोल्टेज कर लेंगे तो क्या वो सिग्निफिकेंट वैल्यू हो जाएगी कुछ? तो ठीक ठाक एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। अब ठीक ठाक एनर्जी प्रोड्यूस हो गई तो कैथोड वाले पार्टिकल क्या किए, यहां से कुछ कैथोड, एक मिनट, यहां से क्या आपको पता है मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं? फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को जब अच्छी खासी एनर्जी मिली तो वो कैथोड से निकले। अब ये बहुत हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्होंने क्या किया, ये कैथोड से निकले हैं और जो भी आसपास के गैस मॉलिक्यूल थे उनसे जाके कोलाइड किया। इन्होंने क्या किया, ये कैथोड से निकले हैं और जो भी आसपास के गैस मॉलिक्यूल थे उनसे कोलाइड किया इन्होंने। अच्छा, अब कोलाइड किया है तो क्या गैस मॉलिक्यूल को भी अच्छी खासी एनर्जी मिली होगी, तो क्या वो भी इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकते हैं? उन्होंने भी इलेक्ट्रॉन एमिट किया। इसीलिए बोला जाता है कि कैथोड रेज आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास, जिस भी गैस से पास करेंगे कैथोड रे उनको आयोनाइज कर देगा, ये कैथोड, ये बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो बेसिकली क्या है, कैथोड रे हैं, कैथोड रे की तो यूनिट है। तो ये इलेक्ट्रॉन जिस भी गैस से कोलाइड कर रही है, जिस भी गैस के पार्टिकल से कोलाइड कर रही है उसको आयनाइज कर दे। आयनाइज करने का क्या मतलब है, बेसिक इलेक्ट्रॉन को निकाल देना। अभी गैस पार्टिकल, इनके पास बहुत एनर्जी है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो ये गैस पार्टिकल क्या बने, पॉजिटिवली चार्ज गैशियस आयंस। ये क्या बने पॉजिटिवली चार्ज, सब लोग ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिवली चार्ज गैशियस आयंस। इलेक्ट्रॉन्स अलग निकल के चलने लगे, भाई इलेक्ट्रॉन्स तो एक बार निकल गए फिर वो किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, एनोड की तरफ चल रहे हैं। और अब हमारे पास बन चुके हैं पॉजिटिवली चार्ज गैशियस आयंस, वो किस डायरेक्शन में चलेंगे, वो चलेंगे इसकी डायरेक्शन में, कैथोड की तरफ। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज गैशियस आयंस हैं ये बनाती हैं एक रेज जिनका नाम है कैनाल रेज, इनका नाम है कैनाल रेज। अच्छा, जैसे हम लोग अभी जो पिछला हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी या कैथोड की डिस्कवरी, उसमें हम बोल रहे थे कैथोड रे। कैथोड रे क्यों बोल रहे थे, क्योंकि कैथोड की डायरेक्शन से एनोड की डायरेक्शन पे जा रहा है। इसमें हम एनोड रे क्यों नहीं बोल सकते, भाई पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो जा रहा है एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ जा रहा है, हम उसको एनोड रे क्यों नहीं बोल सकते, हम एनोड रे नहीं बोलते, ये गलत। एनोड अगर जो एनोड रे बोल भी रहा है या किसी बुक में लिखा भी है कि एनोड रे है, वो बिल्कुल गलत है। मैं वही लॉजिक एक लॉजिक लगाइए,
मैं तो बता ही दूंगा यार, वो तो पता ही है, मैं सीधी सीधी बता दूँ उसमें क्या फ़ायदा। क्या सुनिए 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 सुनिए, कैसे प्रोडक्शन हुआ एक बार फिर से सुन लीजिए, कि बहुत ही हाई पोटेंशियल डिफरेंस जब मैंने लगाया है बैटरी के थ्रू दोनों इलेक्ट्रोड्स पे, तो क्या दोनों इलेक्ट्रोड्स को बहुत ही हाई एनर्जी मिली है? क्या कैथोड के कैथोड एक मेटल से बना होगा, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या बहुत हाई एनर्जी मिलने पे वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे और निकलने का प्रयास करेंगे? वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और अपनी आसपास की गैस को आयोनाइज कर देंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और अपने आसपास की गैस को आयोनाइज कर देंगे। आयोनाइज करने का मतलब क्या होता है, आप कोलाइड करिए, उनको हाई एनर्जी मिली, उनको हाई एनर्जी मिली, वो उसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। एक बार उनने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो वो खुद क्या बने, पॉजिटिवली चार्ज गैशियस आयन, वो गैस के एटम थे, पहले केवल गैस के एटम थे, उनको हाई एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया उन्होंने, फिर वो क्या बने, पॉजिटिवली चार्ज गैशियस आयन। अब ये इलेक्ट्रॉन तो फ्रॉम कैथोड टू एनोड जाने लगे, इनको बोल दिया गया कैथोड रे। पर मेरा ये कहना है कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज गैशियस आयन्स बने, ये भी तो अब एनोड से कैथोड जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, इनकी पसंद है, इनकी पसंद कैथोड है, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इनकी पसंद है कैथोड, तो ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे स्टार्ट, और ये मतलब किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन जा रहे हैं, एनोड से कैथोड की तरफ। तो मैं इनको एनोड रेस क्यों ना बोलूं, मैं इनको कैनाल रेस क्यों बोलूं, एनोड रेस क्यों ना बोलूं, ये भी सही बात है, ठीक है। और कोई आंसर, देखिए क्या कैथोड रेस कैथोड से ओरिजिनेट हो रही हैं, जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा, सबसे पहले ओरिजिनेशन वही तो है, सबसे पहले स्टार्टिंग वही तो है कैथोड रे की, कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकला, फिर उसने आसपास की गैस को आयनाइज किया, फिर इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम बना के चल दिया। पर क्या ये जो पॉजिटिवली चार्ज वाली रे है वो कहीं एनोड से ओरिजिनेट हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो कहीं भी बीच में ओरिजिनेट हो जा रही है, जहां आयनाइजेशन हुई वहां पॉजिटिवली चार्ज गैशियस आयन बना और वहां वो रेज बन गई पॉजिटिव वाली। तो क्या हम इनको एनोड रेज बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, एनोड रेज बोलने से ये सेंस जाता है कि ये रेज एनोड से ओरिजिनेट हुई है, जबकि क्या ये रेज एनोड से ओरिजिनेट हुई है? नहीं, जब हम कैथोड रेज बोल रहे हैं तो ये सेंस बन रहा है ना कि कैथोड से ओरिजिनेट हुई रेज, कैथोड से स्टार्ट हुई रेज। इसी तरह जब हम एनोड रे अगर बोल देंगे तो ये सेंस बनेगा कि एनोड से स्टार्ट हुई रेज, पर क्या ये रेज एनोड से स्टार्ट हो रही हैं? नहीं ना, ये स्टार्ट कहाँ से हो रही हैं? बीच में, कहीं से भी, जहाँ भी आयनाइजेशन हो जा रहा है वहीं से चालू हो जा रही हैं। कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, जिस साइंटिस्ट को जो मन किया वो नाम रख के गया है, जिस साइंटिस्ट को जो मन किया वो नाम रख के गया, जो भी, अरे कैथोड रे का इलेक्ट्रॉन रे कर दिया होता, कुछ भी कर दिया होता, हम लोग को पढ़ने में आसानी होती, कैथोड रे। क्या समझ में आया है कि कैनाल रेस किस चीज़ से बनी है? जब आयनाइजेशन हो चुका है तो जो पॉजिटिवली चार्ज गैशियस आयन बना है वो ट्रेवल कर रहा है कैथोड की तरफ और वही रे बन गई है कैनाल रे, समझ में आया? अच्छा अब ये बताइए कि कभी मैंने हाइड्रोजन का गैस अंदर ले लिया, कभी हीलियम का गैस अंदर ले लिया, कभी कोई दूसरा गैस अंदर ले लिया, क्या अलग अलग पॉजिटिवली चार्ज आयन बनेंगे? क्या अलग अलग पॉजिटिवली चार्ज आयन बनेंगे? हाँ भैया सुनिए सुनिए, मैंने क्या किया सुनिए, मैंने एक बार अंदर लिया हाइड्रोजन की गैस को, ठीक है, तो क्या हाइड्रोजन की गैस एग्जिस्ट करेगी H2 मॉलिक्यूल की तरह? क्या जब इससे इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन निकल के इससे कोलाइड किया तो ये क्या बन गया, एक्साइट हुआ और इसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, ये बन गया H2 प्लस। अच्छा तो क्या ये गैशियस आयन है, पॉजिटिवली चार्ज गैशियस आयन? क्या ये कैथोड की तरफ मूव करने लगेगा? ठीक है, आप इस बात से सहमत हैं? अब एक बात बताइए, मान लीजिए अब मैं हीलियम गैस ले लूँ,
मैं हीलियम गैस ले लूँ और ये किससे कोलाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन से, और क्या बना लेगा, एच ई प्लस। क्या ये भी पॉजिटिवली चार्ज आयन है, और क्या ये भी कैथोड की तरफ मूव करेगा। क्या अलग अलग गैस लेने पे अलग अलग गैसियस पार्टिकल बन जा रहे हैं। जब हमने पहला वाला केस देखा तो उसमें जो रेज प्रोड्यूस होंगी वो किस पार्टिकल से बनी होंगी, H2+ पार्टिकल से। किस पार्टिकल से बनी होंगी, H2+ पार्टिकल से। जो दूसरा वाला हम केस देख रहे हैं उसमें रेज किस पार्टिकल से बनी है, HE+ पार्टिकल से। अगर तीसरी कोई गैस लेंगे तीसरे कोई पार्टिकल बन जाएगा। यानी कि क्या जो एनोड, क्या जो कैनाल रेज बन रही है वो उसमें हर बार पार्टिकल अलग अलग हैं। पर क्या जब कैथोड रे बन रही थी उसमें हमेशा सेम पार्टिकल था, उसमें हमेशा सेम पार्टिकल था, कौन था, इलेक्ट्रॉन। क्या उसमें हमेशा सेम पार्टिकल था, इलेक्ट्रॉन। पर जब कैनाल रेज बन रही तो उसमें हमेशा अलग अलग पॉजिटिवली चार्ज आया आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी गैस ली गई है। भाई जो गैस ली जाएगी वही आयन आएगा ना। तो ये बताइए क्या हम बोल सकते हैं कि कैनाल रेज के कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का मास कॉन्स्टेंट नहीं रहता, बोल सकते हैं ऐसा, बोल सकते हैं ना, क्योंकि हर बार डिपेंडिंग ऑन द गैस पार्टिकल चेंज कर रहा है तो मास कैसे कॉन्स्टेंट रहेगा। इस बार देखो H2 है तो 2 था, HE है तो तब भी 2 था, मान ली कोई तीसरे पार्टिकल ले लेंगे तो मास अलग हो जाएगा ना, तो मास चेंज करेगा। अच्छा तो चार्ज, अगर मास चेंज करेगा तो क्या चार्ज बाई मास रेशियो भी अलग होगा। अभी हम देखेंगे चार्ज भी चेंज कर सकता है। अब सुनिए, जैसे एक मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन टकरा गया, 3 टकरा गया, अगर उसको सफिशिएंट एनर्जी मिल गई दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बाहर भेजने की, क्यों ना भेजेगा, क्यों ना आयनाइज करेगा। आयनाइजेशन तो और भी इलेक्ट्रॉन्स की हो सकती है, केवल एक की क्यों हो, दूसरे की भी हो सकती है, तीसरा हो तो तीसरे की भी हो सकती है, चौथा हो तो चौथे की भी हो सकती है ना, जितने इलेक्ट्रॉनों से टकरा जाए। और सोचो जितना ज़्यादा आयनाइजेशन हो जाएगा उतना ज़्यादा चार्ज उस पर बन जाएगा। मान लो अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उस पर 2+ चार्ज आ गया ना। हाँ बताइए, पूछिए। हाँ 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, अरे तो जब बचेगा ही नहीं तो नहीं निकलेगा ना, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर फिर टकराया तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर अब केवल न्यूक्लियस बचा है। मान ले H2 है, H2 में 2 ही इलेक्ट्रॉन ही है, H2 कुछ ऐसा सब्सटेंस है, मान ले ऐसा ऐसा, ठीक है, उसमें कुल मिला के 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो इलेक्ट्रॉन जाके जब टकराया तो एक्साइट होके एक बार एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब ये बन गया H2 2+। अब जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास एक बहुत डेंस पार्टिकल, इसका न्यूक्लियस बचा हुआ है केवल, कोई एक्साइटेशन नहीं होगी, कोई भी एक्साइटेशन नहीं होगी, कोई एक्साइटेशन नहीं, केवल इसमें न्यूक्लियस बचा है। और न्यूक्लियस इमूवेबल होता है, न्यूक्लियस कभी भी मूव नहीं करता, न्यूक्लियस की कोई वेलोसिटी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन की तो वेलोसिटी होती है ना, इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ घूम रहा होता है, अभी हम लोग देखेंगे कैसे, न्यूक्लियस बीच में होता है, जैसे सन, जैसे सन तो हमारे अराउंड, हम सन के अराउंड कर रहे हैं, सन हमारे अराउंड कर रहा है, हम तो सन के अराउंड कर रहे हैं ना, लेकिन सन हमसे बहुत बड़ा है, जैसे न्यूक्लियस तो हमसे बहुत छोटा है। न्यूक्लियस का तो मैंने रेशियो बताया था ना, कि आप एक बड़े से ग्राउंड में, आप एक 5 किलोमीटर रेडियस की ग्राउंड में एक बीच में क्रिकेट बॉल रख दो, उतना छोटा है न्यूक्लियस। अच्छा नहीं बताया था क्या मैंने, नहीं बताया था, अभी आज मैं बता दूंगा। अच्छा क्या ये चीज़ समझ में आई है कि जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल हैं कैनाल रेस के उनका मास फिक्स नहीं होगा, उनका चार्ज भी फिक्स नहीं होगा, उनका चार्ज बाय मास रेशियो फिक्स होगा, नहीं होगा। वो किस पर डिपेंड करेगा कि हमने कौन सी गैस ली है अंदर, किस पे डिपेंड करेगा, हमने कौन सी गैस ली है और क्या मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड है, इस पे डिपेंड करेगा। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। अच्छा तो इसकी क्या 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 प्रॉपर्टी है, सुनिए, क्या आपने कैनाल रेस कैसे बनती है वो समझ लिया,
आयनाइजेशन ऑफ गैशियस आइटम से बनता है, आयनाइजेशन ऑफ गैशियस आइटम से, ठीक है। और बेसिकली कनाल रेज हैं क्या, दे आर पॉजिटिवली चार्ज गैशियस आयंस, दे आर पॉजिटिवली चार्ज गैशियस आयंस ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द कैथोड, ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ कैथोड, ठीक है। अब सुनिए प्रॉपर्टी क्या क्या है इसकी, ये भी स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, इनके पार्टिकल के पास भी मास होता है, ये मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, पंखा वंखा घुमा देती हैं और शेडो वेडो प्रोड्यूस कर देती हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, अच्छी खासी ठीक ठाक वेलोसिटी से चलती हैं, और आपका और क्या थी, ये भी इनविजिबल होती हैं, तो इनके इफेक्ट को भी देखने के लिए स्क्रीन लगाना पड़ता है, वही फ्लोरेसेंट वाला, तो जब फ्लोरेसेंट स्क्रीन को जाके हिट करती हैं तो चमक प्रोड्यूस होती है, उससे हम इनका इफेक्ट देखते हैं। इनमें और कनाल रेज में सबसे बड़ा अंतर क्या है, अंतर है सबसे बड़ा अंतर कि इनका चार्ज बाय मास रेशियो कांस्टेंट नहीं है, इसका नहीं है, उसका है, उसका है, उसका चार्ज बाय मास रेशियो कांस्टेंट है, उसका चार्ज बाय मास रेशियो कांस्टेंट है, उसका हमने देखा था चार्ज बाय मास रेशियो कांस्टेंट है, इसका नहीं है, इसका डिपेंड कर रहा है कि हम कौन सी गैस अंदर ले रहे हैं, ठीक है, और क्या मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए तो आप और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, कुछ लिख समझ में आया ना, इतना समझ में आ गया ना, ठीक है, अब समझिए। अब हम पढ़ते हैं चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया, आप लोगों ने पढ़ लिया है थोड़ा पिछली क्लास में, थोड़ा सा पढ़ा था कि चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हम ये पढ़ेंगे, पानी दीजिए थोड़ा, वो फिगर देखिए, एकदम ध्यान से देख, ध्यान से देख लीजिए पहले, दूर भी लगा के दिख रहा है, इलाहाबाद में तो पढ़ रहा हूँ बेसिकली, वो मैं गोरखपुर जानते हैं तो, गोरखपुर के बगल में एक जगह देवरिया, मैं वहाँ का, तुम कहाँ गए हो, अयोध्या, अरे बढ़िया, ज़्यादा दूर नहीं है, इलाहाबाद बनारस, एलीट आदमी है भाई, जौनपुर, एक जैसा शाश्वत स्कूल में एक बंदे को मुक्का मार दिया था, हाँ, सस्पेंड हो गया था, हाँ, सच बोलो, सस्पेंड नहीं हुआ था लेकिन होने वाला था, बच गया सर, इसकी शक्ल देख के नहीं लग रही मेरे को मुक्का मार सकता है, क्या था ना सर, इसकी गर्लफ्रेंड बगल में खड़ी हुई थी, हाँ, ठीक है, कुछ अब एक बंदा इसको छेड़ रहा था, अरे ठीक है भाई, ठीक है, वीडियो यार पॉज कर दीजिए क्या, कंटिन्यू करते हैं, हो गया ना, हाँ हो गया, बहुत बढ़िया डिस्कशन हो गया, केमिस्ट्री का डिस्कशन हुआ भाई हमारा, बायो केमिस्ट्री का डिस्कशन था, क्या कह गया, अरे कुछ नहीं करना, अच्छा अबे उनको कट करने नहीं आता, और कोई उतना नहीं देखेगा बे, इतना मत करो, चल हमारी ना चिल, कोई नहीं देगा, तो क्या एनोड रे की प्रोडक्शन समझ में आई है, एनोड रे बोला, कैनाल रे की प्रोडक्शन समझ में आई है, अब वही चर्चा की जाए क्या कि डाइट कितनी लेनी चाहिए, वो सब वही चर्चा करते हैं आज, अरे कितना हो गया यार, तो भाई हाँ और पता है मैं कभी, और मेरी सबसे बड़ी ये गलती है, मैं कभी डाइट में दाल नहीं देता, कभी नहीं, मैं किसी टाइम दाल ले लेता, तभी तो सर रिजल्ट आपके सामने है हमारे।
वेइंग मशीन उस पर किया जाएगा। मैंने जब लास्ट टाइम पे किया था 57 ही था मेरा। कितना महीना हो गया लगभग? दो तीन पॉज कर ये सर देखते हैं क्या पॉज कर ये देखते हैं चालू है वो। हां वो चालू है।